नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2019 से नहीं हो पा रहे हैं राज्य के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्र संसद का चुनाव। छात्र संसद की चुनाव की मांग पर जगह जगह छात्र सांसदों का प्रदर्शन जारी। बुधवार को कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ACFI ने छात्र संसद की चुनाव की मांग पर प्रदर्शन करते दिखे। यहां तक कि राज्यपाल CB आनंद बोस ने के सामने भी चुनाव की मांग पर प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटे। इसके पूर्व जादवपुर विश्वविद्यालय और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भी छात्र संसद निर्वाचन की मांग पर राज्यपाल के सामने ही प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट के मेचेदा रेलवे स्टेशन संलग्न इलाके में बसे झोपड़ियों में लगी आग में जलकर पिता पुत्री की मौत हो गई। इस अग्निकांड में 15 झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 2 इंजनों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही CBI अधिकारी की एक टीम दुर्घटना में हुई घायल। इस टीम में CBI के 2 अधिकारी समेत 3 लोग शामिल थे। बताया जाता है कि CBI के वाहन कुछ बिहार से माथाबाका की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक ट्रक के साथ CBI वाहन की टक्कर हो गई। इस घटना में CBI अधिकारियों को चोटें भी आई। भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद JP नड्डा पुनः पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस 2 दिवसीय दौरे में JP नड्डा मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव एवं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर BJP की बंगाल नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे, जहां पर चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। JP नड्डा नदिया जिले में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बैनर्जी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी ने मेघालय में की जनसभा। एक और तृणमूल कांग्रेस मेघालय में विधानसभा चुनाव को सामने रखकर सभा कर रही है। दूसरी ओर देश के मुख्य चुनाव आयोग मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में चुनाव की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का मानना है कि मेघालय की जनसभा परिवर्तन चाहती है और तृणमूल कांग्रेस से राज्य में एक अच्छी शासन व्यवस्था दे सकती है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तिथि तय की गई है। इन 3 राज्यों में होने वाले चुनाव परिणाम की घोषणा 2 मार्च को होगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।